बिस्मिल्लाहिर्रहमान नाज़रीन नाज़रीन रिपब्लिक पॉलिसी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके मंशूर के ऊपर क्रिटिकल इवैल्यूएशन की है और वो आप जो हमारी वेबसाइट है republicpolicy.com उधर जाके देख सकते हैं। हमने सियासी मंशूर जो है उनको एनालाइज़ किया है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया है, क्या जो वादे वईद किए जा रहे हैं कौम के साथ उनको पूरा भी किया जा सकता है। आज हमारे साथ डायरेक्टर एडमन रिपब्लिक पॉलिसी के मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब और सरबराह रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के ताहिर मकसूद छीना साहब मौजूद हैं। दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं और निज़ाम का एक अरसे तक हिस्सा रहे और निज़ाम के बारे में बेहतरीन जानकारी रखते हैं। तो छीना साहब से हम बात करते हैं, आपके सामने आपने रिसर्च भी की है इसके ऊपर, तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोस हैं, इनके बारे में ज़रा नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, ये भी रिपब्लिक पॉलिसी को इजाज़ हासिल है कि रिपब्लिक पॉलिसी ने सबसे पहले नाज़रीन के लिए ये मुहिम का आगाज़ किया कि वोट फॉर मैनिफेस्टो, ये और इस पे अलहदा से प्रोग्राम भी किया कि मैनिफेस्टो जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना ज़रूरी होता है। तो ये एक किस्म का एक वादा है, एक प्रोग्राम है कि जो पार्टियां कहती हैं कि हम इलेक्शन जीतने के बाद ये प्लान किया है मुल्क की बेहतरी के लिए, वो एक प्रोग्राम वो देते हैं। तो अब आप तीन बड़ी पार्टियाँ जो हैं गुज़श्ता पिछले दो दिनों में उन्होंने या दो चार दिनों में अपना अपना जो मैनिफेस्टो दिया है, सबसे पहले आप अगर बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो उन्होंने नारा दिया है पाकिस्तान को नवाज दो, ये 36 सफहात पे मुश्तमिल एक उनका पंफलेट है। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है वो उन्होंने अपने पीछे जो हुकूमतें थी उनकी उसके कारनामे जो हैं वो गनवाए हैं और आइंदा उन्होंने जो उनका प्लान है उसके बारे में कुछ ख़ास उसमें नहीं है सिवाय इसके कि जी हम जो है वो जो बिजली फ्री देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करेंगे। वही बात जो पहले हमने सुनी थी पीटीआई के 2018 में, इन्होंने कहा जी हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां 1 करोड़ कैसे देंगे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। मुल्क की जो वो कहते हैं कि जी हम 60 अरब तक इसकी एक्सपोर्ट ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे इसके बारे में नहीं कुछ लिखा हुआ। तो ये बिजली जो है वो उन्होंने कहा कि जी हम उसको मज़ीद सब्सिडाइज कर देंगे, कैसे कर देंगे नहीं पता, जबकि पहले जितनी बिजली महंगी है वो इसकी आपको पता है कैपेसिटी की जो पेमेंट करनी पड़ती है उसकी वजह से महंगी है। सो दूसरा आगे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, उन्होंने उसको नाम दिया है चुनो नई सोच को। सो उन्होंने भी जो है वो नौजवानों पर जोर दिया है, उन्होंने वही कहा है कि हम गुरबत को ख़त्म कर देंगे, तलीम सब के लिए होगी, किसान जो है वो खुशहाल होगा, सरकारी मुलाजिम को भी उन्होंने सो ये कि लेकिन वो कैसे होगा, उन्होंने कहा है कि हमने 30 लाख घर बना के देने हैं जिस पे वो कहते हैं हमने शुरू किया हुआ है पिछला जो सलाब आया था उसके बाद से। तो ये अब अगेन वही बात है कि उसमें और तहरीक इंसाफ का भी अच्छा तहरीक इंसाफ ने जो दिया है उन्होंने भी है कि खुशहाल पाकिस्तान है, शानदार पाकिस्तान, और साथ उन्होंने कहा कि जो माजी का बुरा है उसको हमने ख़त्म करना है, शानदार पाकिस्तान शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा, ये उनके नारे हैं। लेकिन यहाँ पर कंपेरेटिवली मैं ये समझता हूँ, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो रिपब्लिक पॉलिसी को फॉलो करते हैं कि ये हमने कई इस पे प्रोग्राम किए, हमारा ये कहना था कि जो पाकिस्तान का कोडेड लॉ है उसको अब ज़रूरत है कि उसमें जो है इस्लाहत की जाए, उसमें तरमीम की जाए, उसको बेहतर। साहब आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि आपने तीनों पढ़े हैं बड़े अच्छे तरीके से, पाकिस्तान में तो वैसे उनकी वेबसाइट खुली नहीं रही, आपने स्पेशल बाहर से करवाए हैं, कि जो रिपब्लिक पॉलिसी की थिंक टैंक की कुछ रिफॉर्म्स के ऊपर ख़ास चीज़ें हैं वो शायद तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो में ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन हम दोबारा नाम पे आते हैं, मैंने सब आपसे क्वेश्चन है पाकिस्तान को नवाज दो, तो ये नरगिसियत नहीं है आपके ख्याल में? जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिस तरह जो सब ने फरमाया जो मेरी निगाह से गुजरा है तो ये माँ सिवाय एक इलेक्शन स्लोगन्स के तो मुझे तो इनमें कोई हकीकत पसंदी नज़र नहीं आती या उसमें कोई उनकी सीरियसनेस नज़र नहीं आती कि मुल्क को इस वक्त किन मसाइल का सामना है और उसका कि वो उससे कैसे नमरदस्बा होंगे
किस तरह उसको हल करेंगे, ये कोई नहीं। अब ये कह देना कि जी 300 यूनिट तक बिजली फ्री, जो पॉसिबल ही नहीं है, सोचा ही नहीं जा सकता। IMF की जो कंडीशंस हैं, जो वर्ल्ड बैंक की कंडीशंस हैं, जिन हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है, उसमें से ये कैसे हो सकता है। इसी तरह के जी 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे या इतने लाख घर बना देंगे, अभी भाई यहाँ पे कह लें जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है, तो ये चीज़ें कैसे। तो ये सिर्फ मुझे तो ये तमाम सियासी जमातों का तो एक उन्होंने एक कह लें कि एक शर्त थी या एक कह लें कि कंडीशन है कि जी वो अपना मंशूर दें, तो ये मंशूर सिवाय इंतखाबी नारेबाजी की, इंतखाबी स्लोगन्स की, मुझे तो इसमें कोई रियलिटी के वाक्यतन, क्योंकि जो कोई अनाउंस करता है कहता है कि जी मैं ये करूंगा, तो वो साथ में उसकी मेथोडोलॉजी बताए। नहीं नहीं, वो इसाक डार साहब कह रहे थे कि जी तो ये है कि हम डिस्कोस जो हैं इनको प्राइवेटाइज कर देंगे, और पहले भी हम कुछ सब्सिडी दे रहे हैं उसको एडजस्ट कर लेंगे 9-10%। चलिए ठीक है साहब, हम इसको, लेकिन मियाँ देखो कि आप कल जलसा हुआ है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सियालकोट में किया, उन्होंने कहा है कि ये जो सियालकोट मोटरवे बनी है ये मैंने शुरू की थी लेकिन मुझे पसंद नहीं आई, ये मैं दोबारा बनवाऊंगा। अच्छा साहब, चले हम जो हमारी रियासत के 10 पिलर्स हैं हम उसको लेके ना ये कंपैरिजन करवाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप Article 1 देखें, पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान रिपब्लिक है जहाँ से हमारे थिंक टैंक रिपब्लिक पॉलिसी है, क्योंकि इट वर्क्स फॉर डेमोक्रेसी, इट वर्क्स फॉर रूल ऑफ लॉ, इट वर्क्स फॉर द रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपल। किस सियासी जमात के मंशूर में जो राइट टू चूज है कि सॉवरेनिटी अलग की है, डेलीगेटेड ट्रस्ट है लोगों के पास और वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, डेमोक्रेसी के बारे में, पॉलिटिकल राइट्स के बारे में और राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट के बारे में किस मैनिफेस्टो में ज़्यादा बात हुई है? आपने सही कहा, ये जो राइट्स के बारे में सबसे ज़्यादा जो लिखा हुआ है वो तो है पाकिस्तान पीपल पार्टी ने लिखा हुआ, उन्होंने एक एक अलग-अलग जो टोटल राइट्स हैं उनके बारे में बात लिखी है कि जो इंसानी हकूक हैं, जो मिनोरिटीज़ के हकूक हैं, जो ख़वातीन के हकूक हैं, वो उन सारे पे उन्होंने बात की है और उन्होंने बुनियाद इसी को बनाया है, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वो सबके लिए फ्री होगी। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनका सारा का सारा डेवलपमेंट पे है और इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ सब ने कहा कि जी हम अच्छे तल्लुकात बनाएंगे, बस बशमूल इंडिया, और ये भी सब ने कहा कि जी कश्मीर जो है उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, अल्फाज कुछ भी हो सकते मतलब यही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे ज़्यादा पसंद आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नहीं, वो चलते हैं हम कंपैरिजन करवाते हैं। अब हमने पहला हो गया, दूसरा आंसर की अब हम बात करते हैं। सब आपसे ही दूसरा, क्योंकि गवर्नमेंट के 3 हिस्से हैं, मुकन्ना है, इंतज़ामिया है, अदलिया है, जो हमारी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में किस मैनिफेस्टो ने, किस पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो ने बात की है? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो है उसको और देखें तो सबसे 2-3-4 चीज़ें उन्होंने बड़ी अच्छी की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो CRPC है इसको आप तब्दील करेंगे, उसमें बेहतरी करेंगे, उसको तब्दील करेंगे। नहीं, हम जुडिशियल रिफॉर्म्स में लेके जाते हैं, जो लेजिस्लेटिव लेजिस्लेशन की बात करते हैं, तो वो उन्होंने कहा कि हम जो कौमी असम्बली है उसकी मियाद जो है 5 साल से कर देंगे 4 साल, और सेनेट जो है उसको हम 5 साल पे ले जाएंगे। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमारा रिपब्लिक पॉलिसी बहुत पहले से कह रहा था कि जो सेनेटर हैं इनको लोगों के नुमाइंदा बनाने के लिए ज़रूरी है कि ये भी लोगों से इलेक्ट होकर आएँ, तादाद इनकी जो भी हो। तो उन्होंने PTI ने यह कहा है कि हम 50% लोग होंगे जो डायरेक्ट इलेक्ट होंगे। उन्होंने एक और बात भी की है कि जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन है वो बराए रास्त होगा, ये उन्होंने लिखा है कि उसमें। अच्छा, वज़ीर आज़म का अगर इलेक्शन बराए रास्त होगा तो फिर पार्लिमानी तसव्वुर तो ना रहा ना, फिर तो इंतज़ामिया मुंतखब करेगी अवाम, अगर इंतज़ामिया को लेजिस्लेचर मुकन्ना मुंतखब नहीं करती तो फिर तो वो सदारती निज़ाम की तरफ बात जा रही है। अब हम आते हैं एग्जेक्टिव रिफॉर्म्स, जिसमें पॉलिटिकल एग्जेक्टिव और ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी, पुलिस भी उसमें शामिल है, बाकी एजेंसीज शामिल हैं, इदारे शामिल हैं। मर साहब, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान को जब तक सिविल सर्विस, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, ऑर्गेनाइजेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं होंगी, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये जितने भी वादे हैं इनकी इंप्लीमेंटिंग मशीन ब्यूरोक्रेसी है, तो इसके ऊपर किस मैनिफेस्टो में ज़्यादा बात हुई है? देखिए, बात यह है कि ये बातें, इसमें कोई शक नहीं कि जितनी रिफॉर्म्स हैं उन पर अमल दरामद ब्यूरोक्रेसी ने करना है, और ये अब कोई बेशक अनाउंस कर दे कि जी हम ब्यूरोक्रेसी चेंज कर देंगे तो ऐसा तो ऑल ऑफ सडन या ऐसे मुमकिन नहीं है। काम तो इसी जो मौजूदा एग्जिस्टिंग सेटअप है
उसके साथ ही आपने करना है। डिपेंड ये करता है कि आप कितनी विल के साथ, कितनी कमिटमेंट के साथ इन लोगों से काम लें, बजाय इनके कि उनके इशारे पे चलें। जिस तरह ये जो कह लें कि जिस तरह जो सब बता रहे हैं कि जी लिखा ऐसा है, तो उसके हद तक तो पीटीआई ने बेहतर तरीके से ये कहा है कि जी हम ये रिफॉर्म्स लेके हैं, लेकिन बस दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह करे ऐसा हो। जो पिछले टर्म सारे देखे, सारे गवर्नमेंट, सारे जो पार्टियाँ उन्होंने उनको मौके मिले, लेकिन ऐसा सच कोई कोशिश की नहीं की। हाँ अलबत्ता पाकिस्तान पीपल पार्टी को मैं अगर देखता हूँ तो उन्होंने वो 18th अमेंडमेंट दी और गिलगित को एक स्पेशल दर्जा दिया, गिलगित बल्तिस्तान को, तो ये वहाँ पे नज़र आता है कि थोड़ी उन्होंने गवर्नेंस बेहतर करने की कोशिश। जी अगर आप जी छेन साहब आपसे अगला क्वेश्चन, क्योंकि फेडरलिज्म पाकिस्तान की रियासत की असास है जिसमें इख्तियारात को तकसीम किया जाता है वफाक और सूबों के दरमियान और डेवोल्यूशन की जाती है। अगर आप फेडरलिज्म को देखें, लोकल गवर्नमेंट को देखें, उसके अलावा जो फिस्कल फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की तीन शाखें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म और जो दूसरा फेडरलिज्म है लेजिस्लेटिव फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म के ऊपर किसकी बात की है? क्योंकि पाकिस्तान की इकाइयों में इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल का सामना और फेडरेशन इतनी मजबूत नहीं लग रही। आप सही कह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इस पर पिछली अपनी हुकूमतों में दौरे हुकूमतें काम भी किया और इस वक्त भी जनाब जरदारी साहब जो है मुख्तलिफ जलसों पर जब बात करते हैं तो वो इस बात पे बड़ा जोर देते हैं, और फेडरलिज्म के लिए बात जो है मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल पार्टी बेहतर अंदाज में कर रही है। जी मलिक साहब आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशरी की रिफॉर्म्स की अदालतें कैसे बेहतर हो सकती हैं, बार एंड बेंच कैसे इम्प्रूव कर सकता है, इंडक्शन जो है जुडिशियल ऑफिसर्स की कैसे हो सकती है, बार का क्या रोल हो सकता है, पाकिस्तान में स्पीडी जस्टिस सिस्टम कैसे दिया जा सकता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कैसे रिवैम्प किया जा सकता है, सिविल जस्टिस सिस्टम को कैसे रिवैम्प किया जा सकता है, और जो लॉज, जो कॉलोनियल लॉज हैं वो पब्लिक स्पेसिफिक लॉज कैसे बन सकते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर किस पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में सबसे ज़्यादा आपको जान महसूस हुई है? देखिए बातें करने की हद तक तो तहरीक इंसाफ ने की है, अब देखते हैं कि अमल दरामद कौन सी सियासी जमात कितने बेहतर तरीके से करती है, लेकिन बहुत सख्त ज़रूरत है जुडिशियल रिफॉर्म्स की इस मुल्क को, क्योंकि देखें के जो आपको दुनिया में 130वें नंबर पे या 125 पे या 120 के बाद के नंबरों पे पाकिस्तान का नंबर आता है, तो उसका जब तक इस आप जुडिशियल सिस्टम को इसमें रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, इसमें बेहतरी नहीं लाएंगे, तो ये आप ऐसे ही रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात हुई है कि पार्टियों ने कुछ ना कुछ लिख के दिया है, और देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 168 पेज हैं उसके, उनका जो मैनिफेस्टो है, पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है उसका 64 पेजेस पे है, और 36 पेजेस पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनका, तो ये महफूज हो गए हैं, ये नेट पे पड़े हुए हैं, नेट खुलता या नहीं खुलता ज़्यादा बात है, लेकिन पड़े हुए हैं और कभी ना कभी खुल ही जाएंगे। तो ये है, कोई भी पार्टी जीत के आएगी तो कोई भी बंदा उठ के, या कम अज़ कम रिपब्लिक पॉलिसी जो है एज अ थिंक टैंक, ये तो हम तो बताते रहेंगे, हर पार्टी जो है उसको याद कराते रहेंगे। और ये अच्छी बात है, अगर किसी पार्टी ने अपने मंशूर में जिक्र नहीं भी किया रिफॉर्म्स का, तो किसी दूसरी पार्टी ने किया है, तो वो कल अगर कोई पार्टी जीतने वाली है उससे फ़ायदा तो उठा सकती है, ये याददाश्त के तौर पर। जी ये बात दुरुस्त है, मैं जो सबसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, और कोई याद करवाए या ना करवाए, रिपब्लिक पॉलिसी ज़रूर याद करवाती रहेगी इन सियासी जमातों को कि आप लोगों ने ये वादे किए हैं और ये कहा था। जी फिर जीना साहब, पाकिस्तान की इकॉनमी के बहुत बुरे हालात हैं, पाकिस्तान को इकॉनमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स हैं, पब्लिक सेक्टर की रिफॉर्म्स हैं, प्राइवेट सेक्टर की रिफॉर्म्स हैं, COP कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के सीरियस इशूज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, लॉज हैं, लेजिस्लेशन है, टेक्नोलॉजी है, बहुत बहुत सारे इशूज़ हैं, क्योंकि आपने इकॉनमी को खड़ा करना है। डिवेलपमेंटल पार्ट इकॉनमी का एज सच नहीं है, हमने डिवेलपमेंटल पार्ट को ज़्यादा किया है, इकॉनमी के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर रिफॉर्म में किसका मंशूर आपको बेहतर लग रहा है? मुझे सब मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने बात की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, वो कुछ उसमें नज़र आता है। अब वो रिफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो टैक्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये अलहदा बात है, बट उनकी विल मुझे नज़र आती है। ऑल्दो बाकी पार्टियों ने ये इसका जिक्र किया हुआ है, बट उनका थोड़ा मुझे
बेहतर नजर आते हैं कुछ उन्होंने। नहीं नहीं, वो जो जो अगर आप नॉन लीग का मैनिफेस्टो देखें वो तो डेवलपमेंटल है, कुछ प्रोजेक्ट्स करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक आम सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर छिना साहब आपके पास 10 खरब रुपया है और आप उसको यूज कर सकते हैं तो आपके लिए 4-5 प्रोजेक्ट करना कोई मुश्किल नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं, इकोनॉमी में तो आपने जीडीपी इंप्रूव करनी है, आपने जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर करने हैं, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर बेहतर करना है, आपने इसके अलावा जो इंडस्ट्री का सेक्टर है वो बेहतर करना है, और ख़ास तौर पर सर्विस सेक्टर को आपने इम्प्रूव करना है, लोगों को स्किल्स देनी है, इंटरनेशनली कम्पेटिटिव होना है, आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आनी, ये तो बहुत ही मुश्किल। और देखिए ये एक लंबा प्रोग्राम आपका सही है, आप ये बात किसी भी पार्टी ने कुछ भी बताया नहीं है कि वो किस तरह करेंगे। ये तो उन्होंने कह दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पीपल पार्टी ने कहा हम ज़राअत जो है उसको बेहतर करेंगे, खुशहाल किसान होगा, ये तो सारी बातें की हैं, किस तरह होंगी इसके बारे में किसी पार्टी के मंशूर में कोई ख़ास बात ऐसी नहीं है जिसको हम डिस्कस कर सकें। अच्छा मलिक साहब, आपसे एक क्वेश्चन है कि मंशूर सब पार्टीज़ ने अपने बयान कर दिए लेकिन उनके इलेक्शन कैंपेन में मंशूर का जिक्र नहीं हो रहा, सिर्फ स्लोगन्स का हो रहा है। ये मैं अब क्या इस पर तबसरा करूँ, ऐसी कह लें कि मैंने तो पहले शुरू में ही बता दिया कि जी ये एक कंडीशन है, शर्त के तौर पर ये सारा है, अब अमली तौर पर तो बड़ा मुश्किल है, इतने अरसे से देख रहे हैं ये बस मरसा, बल्कि मैंने देखा है सारा का सारा अंग्रेजी में है, पूरी तरह अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और चूंकि मुझे आपने हुक्म दिया था कि जनाब ये प्रोग्राम करना तो मैंने भी देख लिया, पढ़ना वरना मैंने भी नहीं था, और इस यही जो आम वोटर है उसने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ना लोगों को पता होता है कि मंशूर क्या है और ना ही इसकी कोई तालीम दी जाती है और ना ही कोशिश करती हैं पार्टियां को पता चले और ना ही आवाम में ये आगाही है कि वो इस तरीके से। अच्छा अब आखिरी दो क्वेश्चन रह गए हैं हमारे, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी बहस हो सकती है, ये पाकिस्तान को बेहतर करने का एक प्लान है। यूथ का सबसे बड़ा मसला, पहले यूथ को स्किल्स दी जाए फिर उस स्किल्स की बुनियाद पर उसका रोज़गार बनाया जाए, आपके ख्याल में किस पार्टी का छिना साहब मंशूर जो स्किल्स देगा, फिर स्पेशलाइज स्किल्स देगा और फिर सुपीरियर या स्मार्ट स्किल्स देगा? अच्छा ये जो है इसका जिक्र तो किया है नौजवानों का हर एक पार्टी ने, और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी जिक्र किया है, बाकी जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो वो तो दावा इस बात का करते हैं कि नौजवान जो है हमारे साथ हैं, इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी है, लेकिन वो स्किल्स कहाँ से आएंगी इसका कोई कहीं जिक्र नहीं है, वो कैसे हासिल होंगे इसका कोई जिक्र नहीं। अच्छा सिन्हा साहब, इसमें एक जो आपने ही एक आर्टिकल लिखा था जिसमें ये कहा गया था कि अशराफिया की औरत, अशराफिया का नौजवान और अशराफिया के लोग, ये और है एक क्लास स्ट्रगल भी है। अब जब ये नौजवानों की बात करते हैं, या अब जैसे बिलावल अपने आप को प्रेजेंट करता है कि जी मैं नौजवानों की एम्पावरमेंट का इस्तारा हूँ, तो वो तो अशराफिया का आदमी है, या मरियम कहती है मैं खवातीन की एम्पावरमेंट का इस्तारा हूँ, तो वो तो अशराफिया की खातून है, और जो आपकी आपका आर्टिकल था आपने उसमें वाज़े तौर पे लिखा है जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो बिल्कुल एक क्लास कॉन्शियस रखती है, वो अशराफिया की अशराफिया को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक अलहदा सा टॉपिक है, इस पर अलहदा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप देखिए ना पाकिस्तान पीपल पार्टी को तो वहाँ से के पी से खातून जो डॉक्टर है जो गैर मुस्लिम है उसको उन्होंने जनरल सीट पे टिकट दे दिया, एक खातून को उन्होंने सेनेटर बना दिया जो एक आम लोअर मिडिल क्लास है बल्कि लोअर क्लास की खातून थी गैर मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी की थी, तो उसको सेनेटर बना दिया। सो इस लिहाज से आप सही कह रहे हैं, दोनों बड़ी जमातें जो हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नो, इनके बारे में तो कैटेगोरिकली लोग कहते हैं कि जी अमीर लोगों की पार्टियाँ हैं, सो आल्दो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है उन्होंने कुछ ना कुछ तो लोगों में रिप्रेजेंट तो किया। चलिए समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, खवातीन, क्योंकि खवातीन हमारी 45-50% जो हमारी आबादी है खवातीन पे मुश्तमिल है, और उनकी एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उनकी फिर सोशल एम्पावरमेंट, उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके एक फंक्शनल सोसाइटी होगी और फिर फंक्शनल इदारे और रियासत बनेगी। मलिक साहब आपसे क्वेश्चन है, ख़वातीन की ग्रोथ, मिडिल क्लास ख़वातीन की ग्रोथ, लोअर मिडिल क्लास ख़वातीन की ग्रोथ पे किसका मैनिफेस्टो या किस पार्टी में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है? देखिए फिर अगेन वही बात कि जी ये मैनिफेस्टो में लिखने की हद तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
और तहरीक इंसाफ ने इस पर बात की है, तो अब देखते हैं अल्लाह करे इस पर अमल दरामद भी हो। जी मैं अच्छे साहब यही क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नशस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने ख़वातीन को दी हैं, और इससे बढ़ के रिज़र्व सीट्स के ऊपर भी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिज़र्व सीट्स क्योंकि अशराफिया की ख़वातीन को जाती हैं और माइनॉरिटी सीट्स भी अशराफिया के ही लोगों को जाती हैं, इसलिए उनको भी रिप्रेजेंटेटिव या डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है। ख़वातीन की एम्पावरमेंट के ऊपर आपका क्या ख्याल है, कौन सी पार्टी का मंशूर बेहतर है? बिला शक व शुबा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता कैंडिडेट जो हैं जनरल इलेक्शन में वो पीटीआई के हमायत याफ्ता ज़्यादा हैं। सो पीटीआई ने ज़्यादा ख़वातीन को टिकटें जारी की हैं, बट आप उनके मरूजी हालात देखें ओवरऑल जो है, जो अगर हम मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जिक्र जो किया है वो तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ही किया है अपने मंशूर में, बाकी पार्टियों ने भी किया है बट इन्होंने उसका बड़ा डिटेल से बात की है ख़वातीन के बारे में। हाँ आप ये हमारा प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं कि जो ये जो 60 सीटें हैं नेशनल असम्बली में ख़वातीन की, इनको भी डायरेक्ट कहीं ना कहीं से इलेक्ट होके आना चाहिए, इससे बेहतर अंदाज में हो सकती है। क्योंकि इस वक्त अगर देखेंगे जो आप लिस्ट निकालें सियासी पार्टियों की, तो वहाँ पे उनके रिश्तेदारान जो हैं वही ख़वातीन हैं वहाँ पर जो नाम की। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब और छीना साहब आपका। मंशूर के ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया, इसकी डिटेल्ड आर्टिकल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप हमारी क्रिटिकल इवैल्यूएशन देख सकते हैं। मंशूर बहुत ज़रूरी है आवाम के लिए, ताकि वो अपने जिनको वो वोट दें मंशूर की वजह से दें और फिर बाद में इसको री इवेलुएट भी करें। नाज़रीन हमारी कोशिश है हमारे थिंक टैंक की कि आगाही मुहिम जो है सियासी रिफॉर्म्स के ऊपर जारी रखी जाए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।